हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आरजीएस व्लॉग। और मैं आपका दोस्त लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। आज के वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं मुंबई का एक सीक्रेट और हिडन प्लेस, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा ना ये प्लेस को देखा होगा। तो आज संडे था और हमने प्लान किए थे संडे की शॉर्ट राइड जो फेल हुई थी, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन प्लान बना हमारा कि यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी देख पा रहे हैं आप ये पावे लेके? तो बिल्कुल ये वो हिडन प्लेस नहीं है, इससे और एक अच्छा जगह है। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वो कॉर्नर में एक जगह है, वो जो है ना है। हाँ उधर जाते हैं ना, उधर अच्छा लगेगा। आगे इसको मालूम नहीं रखता है, पता है ना। दरगाह के इधर बाद में जाएंगे, दरगाह के इधर बाद में जाएंगे। हाँ कहते हैं दरगाह के इधर थोड़ी जाने का, वो कॉर्नर पे जाना है। दरगाह क्या पता है तेरे को सीन? वहाँ पे लेक में उतरने मिलता है। मालूम है तेरे को? वाला दरगाह के इधर बंद कर दिए, तो फिर इधर जाते देखते। तो हम्पी भी तब तक आ जाएगा ना, जिसको पता है। लेक देखा कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली थोड़े डिस्कशन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली एक फ्रेंड आने वाला था जो हम एक दूसरी जगह पे लेके जाने वाला था, लेकिन हम उनका वेट कर रहे थे। तो वेट करने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये फ्रेंड्स जो है मेरे साथ, उन्होंने शायद वो जगह कभी एक्सप्लोर नहीं की है, तो इस बहाने से थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और वो जगह भी वो देख पाएंगे। काफ़ी बेहतरीन जगह है, मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ वहाँ से। तो इतनी अच्छी प्यारी जगह है कि वो जगह आपने देखी होगी, काफ़ी सारे रील्स स्टार्स यहाँ पे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स का शूटिंग होता है, फ़ोटो शूट के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे और हैंग आउट करने आते हैं। मतलब यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा होता है कि आप देखोगे भी आगे। यहाँ का ये देख माहौल देख, ये देखो एक साइकिल मार लेते हैं। रुकना है बोल उसको, उधर रुकना है, उधर रुकना है। ये देखा नहीं था कभी अंदर से रास्ता। नहीं यहाँ पे मैंने फोटो, मैं एक बार ऐसे आया था यहाँ पे, एक बंदा फोटो शूट कर रहा था तो मेरा बाइक बोला भाई बाइक पे शूट करेगा। हाँ यहाँ का रास्ता नहीं पता है भाई, ये यहाँ तक पता है। सो गाइस फाइनली हम जिसका वेट कर रहे थे उन्होंने हमको दे दी है टांग। तो जाने दो, कोई नहीं, हम बस एक्सप्लोर करेंगे। देखो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है आज यार, मतलब क्या कहूँ यार लेक के बारे में। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, काफ़ी कूल है यहाँ पे क्लाइमेट। खड़ी है अपनी R15 V3 और विरल ड्यूक पे। यहाँ पे देखो फिशिंग कर रहे लोग, तो फिशिंग एज अ हॉबी करने लोग आते हैं, कुछ कोई ब्रेड बटर अर्न करने के लिए आता है। और ये बच्चे लोग फोटो शूट कर रहे हैं अपने बाइक पे, तो हैप्पीनेस देखो गाइस, इनको फोटो खींचने के लिए अलाउ किया बाइक पे। तो अपना मोटो ही है, स्प्रेड लव वेर एवर यू गो। तो गाइस फाइनली वो हिडन प्लेस अभी हम रिवील करने वाले हैं। ये प्लेस का नाम है बांगोड़ा और लेक का नाम है बांगोड़ा लेक, या इसे विहार लेक के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सारा जो रोड है यहाँ से आपको
ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है गूगल मैप का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। अगर पकड़े जाओगे तो लंबे जाओगे। ऑफ रोडिंग नहीं डूबेगा, आ जा। भाई यही तो जाता है सीधा आगे। ए मालूम है ना दोस्त, तेरे पीछे पीछे आ रहे हम लोग, तेरे पीछे पीछे आ रहे। तो विहार लेक, बांगोड़ा लेक, जो भी कहे इसे, वहाँ पे जाने के लिए आपको ये थोड़ा सा छोटा सा जंगल है जिसे आपको पार करना होता है। ट्रैक करते जाना है क्योंकि यहाँ तक कोई भी व्हीकल नहीं लेके जा पाओगे। हाँ, अगर आप साइकिल से आ रहे हो तो बिल्कुल साइकिलिंग करते जा सकते हो और ये एडवेंचर का आप काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे। आज संडे, भीड़ भी काफ़ी अच्छी है और आप देख रहे हो कि मतलब चारों जगह पे हरियाली हरियाली है। बर्ड्स के साउंड सुन, शांति से देख। तो गैस काफ़ी टाइम के बाद ट्रैक करने का मौका मिला है। हाँ, थोड़ी सांस फूल रही है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है गैस। क्या कहूँ यार, मतलब क्या नज़ारा है यार, मतलब सीरियसली यार, यू मस्ट विजिट ओवर हियर। सो गाइस, स्वागत है आपका बांगोड़ा लेक में, जिसे विहार लेक भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हो कितनी बेहतरीन जगह है यहाँ पे। लोग देखो स्विम कर रहे हैं पानी में, आपको दूर दूर तक सिर्फ यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है, खुला आसमान, नेचर से भरी हुई जगह है। और सामने एक आइलैंड भी है, मतलब क्या कहो यार, मतलब ये जगह यार आपको एक बार आके बिल्कुल यहाँ पर विज़िट करनी चाहिए। क्योंकि यार मुंबई के शोर शराबे वाले मतलब माहौल से उठ के अगर आप ये जगह पे आओगे तो काफ़ी पीसफुल फील होता है। लेकिन यार यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा कि यार यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन ये मतलब ख़राब कर देते यार ये जगह को। यार आप देख रहे हो कहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी है, कहाँ पे शराब की बॉटल्स फेंकी गई हैं, कहाँ पे और कचरा करके चले गए। मतलब इतनी अच्छी जगह पे आके यार तुम नेचर को मतलब स्पॉइल कर रहे हो यार। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा करता रहे तो उनको रोको और इसे क्लीन रखो यार, काफ़ी अच्छा रहेगा नेचर के लिए भी और अपने के लिए भी। सो गाइस, इस नोट पे वीडियो को एंड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आपके लिए ओपन करके रखा है, कमेंट कीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को आंसर करते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।